हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके साथ एक नए व्लॉग के साथ, जिसमें है ये मेरा बेटा है, जिसमें है एक रेसिपी जिसमें मैंने गड़बड़ कर दी, और अमेज़ॉन हॉल, और जिसमें कि कुछ डेली यूज़ की चीज़ें हैं, कुछ फेस्टिवल वेयर है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, सो मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमें एक पैन में तेल लेना है, बटर लेना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हमें इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची और शाही जीरा। उसके साथ हम इसमें डालेंगे दालचीनी भी, और इसको हम तेल में अच्छे से भून लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छा फ्लेवर आ जाए तेल में। थोड़ी देर मसालों को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। ओके, तो प्याज को हमें बिल्कुल भूनना नहीं है, बिल्कुल मतलब सिर्फ पकाना है, सॉफ्ट करना है, सिर्फ इतना ही प्याज को भूनना है इसमें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। इसको भी अच्छे से तेल में भून लेंगे, और थोड़ी देर 2-3 मिनट जब भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और उनको बिल्कुल अच्छे से इसमें भून लेंगे। जब ये दोनों को भून लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर। और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर भून लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू। काजू टोटली ऑप्शनल है, बट हाँ, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद हम इसमें पानी डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके इसको कवर कर देंगे पकने के लिए। इसके बाद हम चलेंगे कोफ्ता बनाने के प्रोसेस में। तो कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रेट किया हुआ पनीर और उबले और मैश किए हुए आलू। याद रखिए, जितना पनीर उतना ही आलू। इसमें कई लोग वेजेस भी डालते हैं, बट मैं वेजेस नहीं डाल रही हूँ, मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक वाला मतलब बनाया है। इसके बाद डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया, उसके बाद अदरक, कुटा हुआ अदरक, या फिर आप उसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। उसके बाद हरी मिर्च। याद रखिए, अदरक और हरी मिर्च इस कोफ्ते की जान है, तो इसको अच्छी क्वांटिटी में डालना है। उसके बाद बारीक कटा हुआ थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देंगे, नमक डाल देंगे, उसके बाद बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। अब इसको मिक्स कर देंगे। सो यह ये तैयार हो गया। यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो गई, मुझे नहीं पता क्या तेल इधर गरम कर ले रहे हैं कोफ्ता बनाने के लिए फटाफट। मुझे नहीं पता क्या हुआ था कि मतलब बिल्कुल से ऐसा हुआ कि मैंने इकट्ठे बहुत सारा कोफ्ता डाल दिया कढ़ाई में, और कोफ्ते चिपक गए। और क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी मलाई कोफ्ता, तो मुझे भी मतलब इतना समझ नहीं आया, और मैंने इकट्ठे सारा डाल दिया और वो ख़राब हो गया था। पहली बार का तो ख़राब हो गया था, बट थैंक गॉड कि बाद में मैंने इसको ठीक कर लिया तो बच गई सब्ज़ी मेरी।
ओके एक और चीज़ कि मलाई कोफ्ता बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, तो कभी भी ग्रेवी में कोफ्ते को नहीं डालना है। पहले आप एक कटोरी में कुछ भी किसी में भी सर्विंग प्लेट में आप कोफ्ता निकालेंगे, उसके ऊपर से आपको ग्रेवी डालनी है, ग्रेवी के अंदर कोफ्ता नहीं डालना है। ओके सो यहाँ मैंने कितने सारे कोफ्ते बना दिए सी, और मैं सारे के सारे इकट्ठे डाल दिए, जल्दी का काम यू नो। आई शो यू, मतलब ख़राब, जब इतना ख़राब हो गया तो मुझे तो लगा कि ये पूरा ख़राब होने वाला है, पूरी मेहनत ख़राब होने वाली है, बट थैंक गॉड कि बाद में मैंने इसको कवर किया और फिर बच गया मेरा कोफ्ता। चलते हैं इसको फ्राई करने पे, देखना क्या होता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। इतना आप डालोगे तो जाहिर सी बात है बिल्कुल बर्बाद सी, मेरी कढ़ाई बिल्कुल गंदी हो गई थी। उसके बाद मैंने बॉल बना के, जितना बचा हुआ था बॉल बनाया ताकि मेरी सब्जी वेस्ट नहीं हुई, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती। यहाँ पे ये ख़राब हो गया था, पहली बार वाला है ये। ओके इसके बाद ये बिल्कुल ठंडा हो गया है मसाला, इसमें से तेज पत्ते को निकाल देंगे और बाकी चलेंगे ग्राइंड करने के प्रोसेस पे। अब इसको मिक्सर जार में लेके इसको ग्राइंड कर लेंगे। मलाई कोफ्ता, मैंने पनीर की बहुत सारी रेसिपी ट्राई करी थी बट मलाई कोफ्ता ये पहली बार ही मैं ट्राई कर रही हूँ, एंड होपफुली थोड़ी मेहनत तो लगी नो डाउट, बट तो ठीक ही ठाक बन गया था। एंड आई एम श्योर कि आप भी ट्राई करोगे तो अच्छा ही बनेगा। ओके तो इसको फटाफट चल के ग्राइंड कर लेते हैं। ये इसमें ना पानी नहीं पड़ता, तो ग्राइंड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। मतलब अब क्या करेंगे, कढ़ाई को जब गर्म करेंगे, हल्का ऑयल डालेंगे, उसके बाद एक बड़ा स्ट्रेनर लेके इस पूरी पूरी ग्रेवी को स्पून से चला के छानेंगे। ये करने से क्या होगा कि बहुत ही स्मूथ, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही रॉयल सा टेक्सचर आता है, जो कि मतलब ऑथेंटिक मलाई कोफ्ता का, मतलब जो ग्रेवी होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, उसमें बिल्कुल भी रफ पार्ट होता ही नहीं है। जब इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो फिर चल थोड़ी सी और ही कर लेते हैं। सो यहाँ पानी डाल डाल के इसको चला के चलाते 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 चलाते, उसके बाद अभी मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा सा टेक्सचर आया। सी वाओ। ओके तो अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, जब ये उबल जाए तो कसूरी मेथी, और आप ऐसे तो शुगर भी डाल सकते हो, शहद भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे मिश्री का यूज़ किया है। सो दिस इज़ डन। या सुपर मलाई कोफ्ता डन। टाटा। सो गाइज मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को कपड़े दिखा देती हूँ। तो ये है एक गाउन जिसमें कि गोटा पट्टी का वर्क है, इसका कलर बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही ब्राइट कलर है। ये देखिए इस पे गोटा पट्टी का काम है, यू कैन से इसका स्लीव बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप किसी फेस्टिवल पे डे में कुछ नया पहनने का सोच रहे हैं, नाइट में तो हम सभी थोड़ा सा
चमक चमक ही पहनते हैं, बट अगर डे में आप पहनने का सोच रहे हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही प्यारा सा एथनिक आपके लिए बहुत अच्छा है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, डेफिनेटली मैं पहनूंगी। तो पहला ये है, और मैंने 3 लिया है। मैंने इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। जनरली मैं, मेरा ये फर्स्ट बाय है, मैं इस तरह के कपड़े जल्दी, मुझे डर लगता है ऐसा ट्राई करने में, तो लेकिन मैंने इस बार सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इज़ साड़ी, साड़ी पैंट टाइप में है ये, इसका ब्लाउज़ है, ये ब्लाउज़ है, पीछे ये पूरा जिप। मेरा साइज़ है, आई थिंक मैंने लिया है मीडियम, मेरा साइज़ मीडियम है। तो ये ब्लाउज़ है और ये जस्ट पैंट साड़ी, इसको बोल सकते हो आप, पैंट साड़ी इसको बोल सकते हो। ये बिल्कुल जस्ट स्कर्ट की तरह इसको पहनना है, और इसका ये पार्ट है, इसको आपको बिल्कुल साड़ी के पल्ले की तरह ले लेना है। और बहुत ही स्मार्ट सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है। जो लोग मतलब साड़ी पहनना जिनको बोरिंग लगता है, या फिर साड़ी बहुत कैरी नहीं कर पाते, या फिर साड़ी में उनको प्रॉब्लम होती है लेकिन साड़ी पहनना चाहते हैं, तो ये उन लोग के लिए बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये 3, और थर्ड इज़, हाँ जो मैंने अभी पहना हुआ है ये थर्ड है। ये बहुत प्यारा कलर है, आप सबको पता है ये बिल्कुल मतलब बहुत, इसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, ये पूरा लेस का वर्क है, कैन सी लेस का वर्क है। इसका दुपट्टा ही बहुत प्यारा है, इसका जो नीचे प्लाजो है उसमें भी लेस का काम दिया हुआ है। आप देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट है, बहुत ब्यूटीफुल सा है, और ये कलर तो आजकल बहुत इन है, बहुत इन है डेफिनेटली, मतलब और बहुत अच्छे बजट में मिल भी गया, आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट परचेज की तरफ। सो मैंने नेक्स्ट परचेज किया है ये ट्रियो का कांच का जार है, ये मैंने किचन के लिए लिया है। इसको मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ कभी कभी, कुछ मसाले जो कि बाहर ख़राब होते हैं तो उनको मैं रख देती हूँ। तो ये 6 का सेट है, साथ में मैंने लिया है ये स्टिकर्स। तो ये स्टिकर्स बेसिकली, जैसे ये होता है कि मसाले हम रख देते हैं और हमें पता नहीं होता, खोल के जब रखते हैं पैकेट के बाहर तो कभी कभी हम खुद ही भूल जाते हैं कि कौन से डब्बे में कौन से मसाले हैं। तो ये स्टिकर लिया है, और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें ये है कि मैं एक स्टिकर निकालूंगी और इस पे लगा दूंगी, उप्स या इस पे लगा दूंगी, और इस पे मैं लिख दूंगी कि क्या लिखा, मतलब इसमें कौन सा मसाला है, कौन सा सामान है। तो इसमें ये है कि ये निकलेगा नहीं, और ये जो पेन, इसके साथ में ये पेंसिल भी मिली थी स्टिकर के साथ, ये कलौंजी। तो ऐसे ही आप, अगर आपके किचन में बहुत सारे डब्बे हैं तो आप ये स्टिकर ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल छूटता नहीं है। ओके सो नेक्स्ट इज़ ये चॉक का डब्बा है, क्योंकि मेरी बेटी 1.5 साल की है जो कि पूरे वॉल पे स्क्रबल करती रहती है, तो मैंने ये उसके लिए लिया है। ये चॉक का सेट है, अगर आपका बच्चा 1.5 साल से भी ऊपर है और उसको चॉक, तो कलरफुल चॉक देख के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में लिखने में और ये सब चीज़ों में, तो ये मैंने चॉक का पूरा बॉक्स लिया है। ओके सो नेक्स्ट इज वेट, या ये है करेक्टर है ये, जैसे हम जो लोग नेल पेंट लगाते हैं, और जनरली ऐसा होता है कि ये नेल के साइड पे भी, ये स्किन पे भी नेल पेंट लग जाता है ना सम टाइम, ये इस चीज़ के लिए तो परफेक्ट है। अगर आपके भी लग जाता है तो आपके पास ये होना ही चाहिए, वेट निकल नहीं रहा, ये होना ही चाहिए इधर से, ये बिल्कुल आपको इसके किनारे से ऐसे चलाना है, और जो भी मतलब लगा होगा स्किन पे, जितना भी नेल पेंट लगा होगा वो सब निकल जाएगा। तो ये तो मस्ट हैव है गाइस, ये आपके पास होना ही चाहिए। सो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इज ये फॉरेस्ट एसेंशियल का है सनस्क्रीन,
एक्चुअली मैं सनस्क्रीन ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, मैं सनस्क्रीन ज़्यादा नहीं लगाती। रीज़न इज़ कि सनस्क्रीन के बारे में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी है कि मैं सनस्क्रीन लगाने में थोड़ा सा डरती भी हूँ, तो मैं सन से प्रोटेक्ट रहने के लिए बाकी चीज़ें कर लेती हूँ, बट मैं सनस्क्रीन लगाती थी एक टाइम में, बट अब नहीं लगाती। बट ये क्योंकि आयुर्वेदिक है, हर्बल है और लग्जरी प्रोडक्ट है, अमेजोन में ये लग्जरी प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। ये मेरा फर्स्ट बाई है, तो ये पम्प फॉर्म में आता है और ये मतलब बहुत ज़्यादा, मैं दिखाती हूँ, ये कुछ सनस्क्रीन होते हैं जो बिल्कुल वाइट वाइट से कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करता है, ये बिल्कुल मॉइस्चर मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है स्किन को, सी स्किन चमकने लगी। तो अगर आपको ये पसंद आता आप ट्राई करना चाहते हैं, आपको भी आयुर्वेद में बिलीव है, विश्वास है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारे सनस्क्रीन आप पढ़ोगे खुद ही, अभी सनस्क्रीन के बारे में आप खुद जानोगे तो फिर आपको लगेगा कि सनस्क्रीन यूज़ करो तो अच्छा यूज़ करो। ओके खैर, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है, ये जिप बैग। इसमें क्या है, इसमें है जैसे कि आप साड़ी अपनी रखते हो, मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है, साड़ी यहाँ है, ब्लाउज वहाँ है, उसका साड़ी का पेटीकोट कहीं और है, तो उसको ढूंढते 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 बहुत टाइम लग जाता है। तो ये मैंने बेसिकली साड़ी बैग लिया है, ये दिखाती हूँ, ये 12 पीस है। ओके ये 12 पीस है, मैं एक दिखाती हूँ। ये एक साइड से ट्रांसपेरेंट है, जिप है, अगर आपको किसी को गिफ्ट भी करना है और आपके पास कुछ नहीं है पैकेट ऐसा, तो आप इसमें आराम से गिफ्ट कर सकते हो। इसमें आप साड़ी रखो, ब्लाउज रखो, कहीं भी मतलब मेस होगा ही नहीं, इसको आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो मेरे साथ अक्सर ये होता है, मेरे बहुत मेस होता है, खासकर आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आपका घर तो मेस होना ही है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आपको ये लेना चाहिए, होना चाहिए। इवन बच्चों के कई बार छोटे छोटे कपड़े होते हैं जो हम ढूंढते हैं या फिर अंदर रखना होता है तो नहीं मिलते हैं, तो आप इस बैग में आराम से सॉक्स हुए, कैप हुए, कुछ भी हुए, तो आप इसमें रख के आप इसको पैक कर सकते हो ताकि वापस से आपको मिल जाए। ओके सो चलते हैं नेक्स्ट। या नेक्स्ट इज ये भगवान के मंदिर के कुछ कपड़े हैं, फेस्टिवल आ रहा है तो भगवान को भी सजाना है। ओके सो नेक्स्ट इज गुड़िया, ये भी भगवान के मंदिर के ही कपड़े हैं, ये पूरे रेड हैं, ये रेड है मतलब भगवान के मंदिर में बिछाने के लिए। ओके एंड द नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो जिप लॉक बैग, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा थिक मटेरियल है और इसकी खासियत ये है कि ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है, आई मीन उससे थोड़ा सा बेटर लुक वाइज है आप कह सकते हो, बाकी काम वही है। जिप ओपन, जिप बहुत अच्छा है, फट से खुलता है, फट से बंद होता है। इसमें सूट रखो, साड़ी रखो, कुछ दुपट्टा हो या फिर कुछ भी हो, फिर इधर उधर मेस होता है, वो सेट भी नहीं रहता, ढूंढने पे मिलता भी नहीं है, तो एक ऑर्गेनाइज वे में मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो आजकल तो वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी इजी हो गई है कंपेयर टू पहले के। तो हाँ नेक्स्ट भाई, फेस्टिवल सीजन है तो जाहिर सी बात है फेस्टिवल के लिए तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, तो ये मैंने लिया है। इसको मैं दिखाती हूँ, ये बिल्कुल रंगोली की तरह है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता रंगोली बनाने के लिए, तो ये मैंने ले लिया है एक सेफ जोन के लिए, अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं बस ये करने वाली हूँ। ये ऐसा दिखता है, सी ये पर्ल है और ये बीच में कैंडल है और ये किनारे किनारे गोटा पट्टी है, ब्यूटीफुल ना। ओके सो व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट आई थिंक खत्म। ये कैंडल है, 100 कैंडल्स का सेट है, आई होप दिख रहा हो, 100 कैंडल्स का सेट है, क्योंकि कैंडल्स तो मेरे घर में बहुत यूज़ होते हैं, दिवाली आने वाली है तो कैंडल तो चाहिए, तो मैंने कैंडल ले लिया। और सो प्लीज़ आप लोग बताइएगा आपको आज का छोटा सा हॉल, अमेज़ॉन हॉल कैसा लगा, मे बी आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुछ हो, मेरा आइडिया, मेरा परचेस आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। और हाँ ये जो ड्रेस है ये मेरे तीनों में फेवरेट है और
इस ड्रेस को आप किसी भी पर्ल नेकलेस या फिर पर्ल इयररिंग के साथ पेयर अप कर सकते हो, मेकअप के साथ कर सकते हो, यू आर जस्ट डन परफेक्ट। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।